हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज, इस वीडियो में बात करने वाले वीडियो एडिटिंग के बारे में। जैसा कि गाइज आप साइड में स्क्रीन पर देख रहे हैं, अगर आप भी इस तरह से वीडियो को एडिटिंग करना चाहते हैं, यानी कि स्काई में किसी का भी फोटो ऐड करना चाहते हैं अपने वीडियो में, जो कि VN वीडियो एडिटिंग एप्लीकेशन में, तो मैं आपको इस वीडियो में सिंपल तरीके से बताने वाला हूँ कि इस टाइप का वीडियो कैसे एडिट कर सकते हैं VN एप्लीकेशन में। अगर आप इस तरह से एडिटिंग करना चाहते हैं तो वीडियो को कम्प्लीटली एंड तक देखिएगा। इससे पहले आपके से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। आपको इस तरह के वीडियो इस चैनल पर मिलते रहेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं अपने फ़ोन की स्क्रीन पर। इस टाइप की एडिटिंग आप अपने फ़ोन से कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन इंस्टॉल कर देनी है जो आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगी। सिंपल से आपने फ़ोन में प्ले स्टोर ओपन करना है और इधर आपको टाइप करना है VN। और जैसे ही आप VN टाइप कर देंगे आपके सामने ये वाली एप्लीकेशन आ जाएगी। तो सिंपल सा इसको स्टार्ट कर देना, यहाँ से ओपन कर देता हूँ मैं। इधर से आपको प्लस वाला आइकन पर क्लिक कर देना है और यहाँ से आपको न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक कर देना है। इधर से आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी और जो भी आपको वीडियो एडिटिंग करना है वो इधर से जल्दी से सेलेक्ट कर देना है। सो गाइस, मैंने वीडियो सेलेक्ट कर दिया है और नॉर्मल सा मेरा वीडियो है। एक बार मैं इसको प्ले करके बता देता हूँ। पहले इसकी वॉल्यूम को म्यूट कर दिया है और यहाँ पे देख लीजिएगा, ये मेरा नॉर्मल सा वीडियो है जिसको मैं एडिटिंग करके बताऊँगा। और आपको जो भी वीडियो सेलेक्ट करना है, यानी कि ऊपर की साइड में फ़ोटो ऐड करना है, तो कुछ इस टाइप से आपको शूटिंग करके रखना है अपने कैमरे से। देख लीजिएगा, ये मेरा जो नॉर्मल सा वीडियो है इसमें जो स्काई है वो ज़्यादा देखने को मिल रहा है और यहाँ पर जो नीचे की जो स्क्रीन है ये कम है, यानी स्काई ज़्यादा है, जिसमें आप अपन किसी का भी फ़ोटो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो सिंपल से आपको इस टाइप का वीडियो शूट कर देना है, सेलेक्ट कर देना है और उसके जस्ट बाद में आपको इधर से प्लस, ये थर्ड नंबर पे जो प्लस वाला आइकन देखने को मिल रहा है इस पर क्लिक कर देना है और वापस आपको इधर से वीडियो एंड फोटो पर क्लिक कर देना है। तो आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी वापस और जो भी फ़ोटो आपको ऊपर की साइड में ऐड करना है वो आपको यहाँ से सेलेक्ट कर देना है। जैसा कि मैं ये वाला फ़ोटो अगर ऊपर की साइड में ऐड करना चाहता हूँ तो मैं इसको सेलेक्ट कर दिया है। फिर आपको इस फोटो को इस टाइप से बड़ा कर देना है, ठीक है ना। इसकी साइज इस टाइप से सेट कर देनी है। यहाँ पे अपन ने जो फोटो सेलेक्ट किया है इसकी साइज काफ़ी ज़्यादा बड़ी है तो इसको सिंपल सा इधर से क्रॉप कर सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा क्रॉप वाला और इसको सेलेक्ट करके यहाँ से अपन इसको क्रॉप कर सकते हैं। जस्ट यहाँ पे ये वाली साइज ले लेनी है और यहाँ से इसको सेलेक्ट कर दिया है मैंने। तो देख लीजिएगा, यहाँ से इसको मैं वापस सेट कर देता हूँ। इस टाइप से इस फोटो को सेट कर देना, ठीक है ना। और उसके जस्ट बाद में इस फोटो को पूरे वीडियो पे अप्लाई कर देना है। इतना करने के बाद में आपको वापस फ़ोटो पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको नीचे ऑप्शन जो देखने को मिल रहा है इसमें सबसे लास्ट आना है और लास्ट से आपको थर्ड नंबर पर मास्क वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना है सिंपल सा। फिर आपको इधर से फर्स्ट वाला स्टेप पर डबल क्लिक करना है तो कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा। और यहाँ पर इस फोटो को थोड़ा सा नीचे लेना है और फिर आपको जो एरर देखने को मिल रहा है इसको इस टाइप से सेट कर देना है। फिर आपको सिंपल सा यहाँ से इसको राइट पर क्लिक कर देना है और जस्ट यहाँ पे आपको ब्लेंडिंग वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना है। इधर से आपको मल्टीप्लाई पर क्लिक कर देना है और इधर से आपको राइट पर क्लिक कर देना है। जस्ट यहाँ पे देख लीजिएगा, अपना वीडियो एडिटिंग हो गया है और यहाँ पे स्काई में जो फोटो अपन ने ऐड किया था वो ऐड हो गया है। तो इसको अपने वीडियो के हिसाब से सेट कर देना है कि किस टाइप से आपको बैक साइड में घूमने का जो स्टेप है वहाँ तक इस फोटो को सेट करना। तो यहाँ पे मैं इसको प्ले कर देता हूँ। ये वाला है अपने बैक साइड घूमने का स्टेप है तो सिंपल सा यहाँ से इस फोटो को आगे की साइड से कट कर देता हूँ। तो सिंपल सा इधर से प्लस फोटो पर मैंने क्लिक कर दिया है, इधर से नीचे मूव किया है ऑप्शन में और यहाँ से इसको कट कर दिया है, इसको डिलीट कर देता हूँ। देख लीजिएगा, यहाँ से आगे की साइड का जो फोटो था वो डिलीट हो गया है। इतना करने के बाद में आपको वापस ऑप्शन में आगे आना है और यहाँ से वीडियो पर क्लिक करना है, इसको कट कर देना है और जस्ट यहाँ पे आपको एक इफेक्ट ऐड कर देना है जिससे आपका वीडियो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव देखने को मिलेगा। इधर से आपको FX पर क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपको आगे मूव करना है और जस्ट यहाँ पे आपको ये वाला इफेक्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा तो ये वाला इधर सेट कर देना है और जस्ट यहाँ पे इसको थोड़ा सा बढ़ा देना है, इसको राइट पर क्लिक कर देना है। सेम आपको वीडियो पर अपने फ़ोटो पर क्लिक करना है और इसमें भी सेम आपको आगे मूव करना है। इधर से आपको इफेक्ट FX पर क्लिक कर देना है, जस्ट यहाँ पे भी ये वाला इफेक्ट ऐड कर देना है सेम जस्ट ये वाला और इसको थोड़ा सा बढ़ा देना है, राइट पर क्लिक कर देना है। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो अपना वीडियो कम्प्लीटली एडिट हो गया है। देखिएगा,
ये देखिए अपना सिंपल सा, मैं इसको वीडियो को पूरा प्ले करके एक बार बता देता हूँ। यहाँ पे देख लीजिएगा अपना वीडियो सिंपल तरीके से ये एडिट हो गया है। अगर आप इस तरह से वीडियो बना रहे हो और आपको कोई परेशानी आती है तो आप कमेंट कीजिए, और इस तरह से वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं बड़े ब्रेक के बाद एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।